हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आज मैं लेकर आया हूँ आज जो एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर। पहले चलते हैं क्वेश्चन। आज जो हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम 2019 आज यानी कि 11 फरवरी को हुआ है, सीरीज एफ का। कौन सा सीरीज का मैं आंसर कर रहा हूँ आप, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ताकि आप कोई सा भी सीरीज हो क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या अटेम्प्ट किया है। चलिए हम एफ सीरीज को, मेरे को क्वेश्चन पहले मिला है, एफ क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करता हूँ। एफ का पहला क्वेश्चन था, संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो एक ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल या फिर संक्रमण तत्व। दूसरा क्वेश्चन था K3FeCN6 कैसा लगन है, तो डबल साल्ट है, द्विक्रमण इसका राइट आंसर होगा। एल्कोहल का मूलक क्या होता है, तो आप जानते होंगे OH होता है एल्कोहल। एल्कोहल बनने में एल्केन को एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि एल्कोहल को बनने में जब एल्केन का हाइड्रोजन किसके द्वारा किसके जगह पे आता है, तो वो होता है हाइड्रोक्सिल, यानी कि OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह बोला जाता है, तो OH चीज रहेगा आंसर या हाइड्रोक्सिल। लोहे का मुख्य अयस्क कौन है, तो सभी होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सभी था जिसमें मैग्नेटाइट हेमेटाइट सिडेराइट तीनों था, तो यहाँ राइट आंसर करेंगे सभी। नेक्स्ट है ग्रुप वन के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ग्रुप वन को जहाँ ग्रुप वन तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु, तो इसका राइट आंसर क्षारीय धातु होगा। CH4 में सिग्मा बंधन, CH4 में क्योंकि चार बॉन्ड अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इसमें चारों सिग्मा बनेंगे, चार बनेंगे सिग्मा। NH3 में N का संकरण क्या है, तो N का संकरण sp3 होगा। कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो हीलियम। एकल परमाणु का मतलब है कि जो भी अक्रिय गैसेस होते हैं वो एकल परमाणु होते हैं, वो किसी से नहीं बनाते हैं बॉन्डिंग, सो राइट आंसर इज हीलियम। कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वैद्युत अपघटनी शोधन, यानी कि इलेक्ट्रोसिस मेथड के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, अमोनिया जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, नीला इज राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है H2SO4 कैसा अम्ल है, तो ये डाइप्रोटिक अम्ल होता है, द्विभाषिक अम्ल होता है। ब्यूनायन तथा ब्यूनायस क्या है, तो ये प्राकृतिक रबर का ही पार्ट है ब्यूनायन और ब्यूनायस। नेक्स्ट PCl5 क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ है। नेक्स्ट उजला और पीला फास्फोरस के क्या है, तो जी हाँ, जैसे कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपरूप होते हैं, देन ये फास्फोरस के अपरूप है। नेक्स्ट शुद्ध जल का पीएच मान है, तो आप 10th में सीखे होंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 या 7। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और धातु होते हैं और धातु। सिंपल क्वेश्चन आया था, एक फैराडे कितना कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के जो दूसरा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट हीलियम का सूत्र क्या है, हीलियम का सूत्र सिंपल क्वेश्चन HE, हीलियम का सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 22 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओलियम में H2SO4 कौन सा अवयव होता है, मतलब कि H2SO4 ओलियम में H2SO4 के अलावा और कौन सा अवयव होता है, SO3 क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है H2SO4 7, ओलियम का फार्मूला ये होता है, तो इसमें यही चीजें घट रहा है, अगर ये चीज आ जाएगा तो ओलियम बन जाएगा। बोला था ये सूत्र भी दिया था, बोला था कि इसको क्या बोलेंगे, तो ये होता है फिनॉल। वो विधि जिसमें अयस्क को हवा में अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं उसको बोला जाता है भर्जन, उसको बोलते हैं भर्जित करना या कैल्सिनेशन बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित 3 से 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं उसको कौन सा सैकेराइड बोलता है, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, यानी कि जो 3 से 10 मोनोसैकेराइड उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, तो C12H5O11। कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया सकती है, वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि जल में उसको डिजॉल्व किया जा सकता है, उसको फुलाया जाता है। डिनोल का उपयोग कौन सा कहाँ पे किया जाता है, कि ये प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक में खाती हुई वक्त बोलते हैं डॉक्टर, आप डिटोल लगा लो एंटीसेप्टिक क्रीम के जैसा भी है, जैसे आप ब्रोप्रस लगा के करके एंटीसेप्टिक क्रीम, तो ये प्रतिरोधी है। CH3CH2NH3 का नाम क्या है, तो ये थाइल एमिन नाम है। CH3COOH का एसिड नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल इसका नाम है। K4FeCN6Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है +2, 31। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, तो एथीन का
बहुलक है पॉलीथिन, अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है वो एंटासिड। थैंक यू सो मच।